गुड इवनिंग यू ब्लॉग एंड आई वेलकम वेलकम और बैक टू माई चैनल तो मार्केट से घर पहुँच चुके हो तो क्या क्या लाई हो चलिए दिखा देती हूँ तो लाया गया है पत्ता गोभी क्योंकि बेस्टी को पत्ता गोभी बहुत ही पसंद है तो वो बोल रहे थे पत्ता गोभी लो पत्ता गोभी लो तो पत्ता गोभी लेनी पड़ी फिर साथ में व्हाइट रेडिश देन उसके बाद वही है ऑनियन एंड पोटैटो और फिर लाया गया है क्या चिकन एंड फिर इसको मैं धोंगी तो इसको मैं बेसन की तरफ रख रख देती हूँ और फिर क्या लाया गया है चले दिखाती हूँ एंड ये लाया गया है जो चिकन का जो है लेग एंड हेड वो लाया गया है वो भी बेस्ट बोल रहे थे खाएँ चल, चले आज बना के खाते हैं खाते हैं खाते हैं तो वो भी लाना पड़ा बेस्ट की वजह से हालाँकि मैं और पापा तो वैसा नहीं लाते खाते हैं हम लोग लेकिन नहीं लाते क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत मुशक्त का, का काम होता है उसको ऐसे बनाना रेडी करना मतलब उसको ना करी बनाने से पहले भी ढेर सारे उसका काम होता है कच वो निकालो पंख वग़ैरह निकालो फिर अच्छे से धो गर्म पानी में साफ़ करो ये वो फिर उसको थोड़ा सा आग में भी जलाना होता है ताकि छोटे छोटे जो पंख है वो निकल आए तो बहुत सारा रहता है उसका काम तो इसी वजह से लाना नहीं होता मेन पापा जब भी हम लोग दो ही रहते हैं तो जब दीदी आते हैं मतलब मेरी हबी की जो बड़ी दीदी तब वो लाते हैं या फिर बेस्ट जब आते हैं तब तो लाते हैं या फिर मेरे बाबा जो होते हैं जब आते हैं तो लाते हैं बस वही है क्योंकि वो लोग कर देते हैं ना ये काम साफ सफ़ाई का फिर बनाना मेरा काम रहता है करी बनाना तो दूध वाले अंकल दूध देने से पहले मुझे लगा कि आज लेट से आएंगे तो पुराना वाला दूध को गर्म करके पापा को दे दी मैंने तभी अचानक से जस्ट पापा को मैंने ग्लास थमाया दूध का फिर दूध वाले अंकल दूध दे गए देखिए दूध वाले अंकल कभी जल्दी जल्दी आते हैं कभी लेट आते हैं उनके जो टाइमिंग जो है आने का कोई फिक्स नहीं होता इस वजह से कन्फ्यूज हो जाती हूँ मैं भी तो यहाँ को यहाँ मैंने पापा को थमा दिया है जो लहसुन वगैरह लहसुन वगैरह अदरक वगैरह वो वगैरह मतलब छिलका उतारने का काम पापा को थमा दिया है गार्लिक वगैरह छिलका उठा छिलका निकाल रहे हैं पिल ऑफ कर रहे हैं एंड यहाँ पे बेस्टी कर रहे हैं जो आ, लेग एंड हैड है वो साफ सफाई कर रहे हैं पानी गर्म करके दी है मैंने तो मुझे लगा कि वो अकेले जल्दी जल्दी नहीं कर पाएगी क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाई ना कुछ नहीं खाई ऐसा नहीं है दोपहर को मैंने चाय पी थी लेकिन मुझे भूख बहुत ही ज़्यादा लगी है तो मैं जल्दी जल्दी करने की आ, मतलब जल्दी जल्दी हो जाइए सब जो है डिनर बनाने का काम इस वजह से मैं बेस्टी को हेल्प करने के लिए बैठ गई उसके साथ तो दोनों मिलकर अभी बातें करते, करते करते कर रही हूँ लेकिन मुझे हालांकि ये अच्छे से करना नहीं आता ये इसका जो साफ सफाई का काम है बेस्टी अच्छे से कर लेते हैं तो मैं वही सीखने के लिए भी मैं यहाँ मदद करने के लिए बैठ गई हूँ ताकि मैं भी सीख लूँ इस चीज़ को अच्छे से वैसे तो आते नहीं ऐसा नहीं है लेकिन मैं थोड़ा स्लो स्लो चलता है मेरा हाथ इस काम में और कभी कभार क्या होता है ज़्यादा इसको गर्म पानी में रखने से जो है इसका जो मांस होता है मीट होता है वो पक जाता है ज़्यादा तो मेरे साथ वही हो रहा है मुझे सही से टाइम पता नहीं है कितना देर तक गर्म पानी में रख के इसको निकालने है और इसका जो ऊपर वाला स्किन है उसको निकालने है वो मुझे पता नहीं तो वही है तो बेस्टी को ये सब चीज़ें पता है तो वो अच्छे से कर लेती है तो अभी मैं करते करते मैं भी सीख जाऊँगी तो नेक्स्ट टाइम मैं खुद से लाऊँगी और इसको मतलब साफ सफाई करने के लिए मैं कोशिश करके देख सकती हूँ <laughs> इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ ताकि मैं भी सीख लूँ इस चीज़ को अच्छे से परफेक्शन के साथ जो कि मुझे आती है लेकिन मुझे मुझे में परफेक्शन नहीं है और नहीं। वही और हाँ मार्केट से क्या क्या लाई हो वो बोलना मैं भूल ही गई ऐसे बातें करते 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 तो मार्केट से क्या क्या लाई हो वो चीज़ तो हर रोज़ मैं अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ तो आज भी शेयर करने वाली हूँ तो ड्राई फिश लाया गया है बम्बे डाक ड्राई फिश देन फर्मांटेड फिश लाया गया है दो तरीके का फरमांटेड फिश एक फोर्टी रुपीस वाला एक एट्टी रुपीज़ वाला तो फिर लाया गया है पोटेटो ऑनियन जिंजर गार्लिक कैबेज देन लाया गया है वाइट रेडिश चिकन लेग एंड चिकन हेड एंड लाया गया है चिकन मीट और साथ में मिर्ची लाया गया है और क्या लाया गया है बाकी तो हाँ जो भी लाया गया है वो जब मैं बैग से निकाल रही थी आप लोग देख लिए होंगे तो इतने डिटेल्स में मैं नहीं जाती हूँ तो यहाँ पे जब ये काम हो जाएगा पूरी तरीके से तो उसके बाद जो है मैं दिखाने वाली हूँ कि चिकन कैसे बनाया जाता है तो रोज़ जैसे बनाया जाता है वैसे ही तो बनाऊंगी आज भी फिर भी जो जो लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे हैं उन लोगों को उन लोगों के लिए मैं वही जो वाला रेसिपी आज फिर से शेयर करने वाली हूँ लेकिन आज शॉर्ट शॉर्ट में शेयर करूँगी ऐसा इतना डिटेल्स नहीं बताऊँगी क्योंकि जिन जिन लोगों को खाना बनाना आता है ऑलरेडी उन लोगों को इतना डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं होता बस थोड़ा आइडिया मिलना चाहिए देन मतलब आइडिया मिलना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है आइडिया तो उन लोगों के पास ही होता है कि किस सब्जी को किस तरह से बनाया जाता है जो मतलब किचन का काम रोज़ ना करते हैं उन लोगों को बस खाने के टेस्ट से ही पता चल जाता है कि उसमें क्या क्या मसाला डाला गया है एंड ऐसे प्रोसेस भी पता चल जाता है कि इस तरह से इस तरह से बनाया होगा ऐसा लेकिन जिन लोगों को किचन का काम नहीं आते या फिर खूब बहुत ही कम करते हैं उन लोगों को थोड़ा मतलब डिटेल्स में बताना होता है कि इस तरह से बनाया जाता है उस तरह से बनाया जाता है किचन में भी बहुत सारे हैक्स होते हैं खाना बनाने में भी जिसको बोलते हैं टेक्निक वही हैक्स वगैरह तो नुस्खे वगैरह होते हैं तो वो सारी चीज़ें ऐसे डिटेल्स में बताने होती है जो किचन में रोजाना काम करते हैं उन लोगों को हैक्स के बारे में पता चलता है तो बाकी लोगों को तो इतना पता नहीं होता जैसे कि ये चिकन का जो लेग एंड जो हैड है उसका जो पंख निकाला जाता है उसका भी है किसी किसी को पता नहीं है कि किस तरीके से इसको निकाला जाता है एक्चुअली पहले साफ़ करके इसको जो नॉर्मल टैप वाटर है उससे मतलब वॉश कर लेते हैं फिर उसके बाद गर्म पानी करके उसमें थोड़ा डुबाया जाता है फिर उसको निकाल के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है लेग्स में वो चमड़ा जिसको बोलते हैं उसको निकाल लिया जाता है फिर जो छोटे छोटे पंख होते हैं या बड़े बर बड़े पंख होते हैं सबको निकाल लिया जाता है फिर उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा बहुत पंख रह जाता है उसको ऐसे स्टोव में जला लिया जाता है हल्का हल्का करके तो ऐसा ही होता है तो इन इन सब चीज़ बिना देखे या बिना किए ऐसे तो हम लोगों को पता नहीं होता बना बनाया हुआ मिल जाए तो हम लोगों को प्रोसेस कैसे पता होगा कि इसको साफ़ सफ़ाई कैसे किया जाता है वही तो जिनको जिन जिन लोगों को आता है वो तो पहले कभी किया होगा या देखा होगा या ख़ुद कोशिश करके देखी होगी तभी तो उन लोगों को आ, आता ही ये सब चीज़ें वही ना तो यहाँ पे मैं चिकन जो है वो बनाऊँगी करी तो उसके लिए मैं पीसेस कर रही हूँ एंड जो पापा ने मसाले वगैरह रेडी करके दिए हैं मतलब छिलका जो पिल ऑफ करके दिए हैं तो वही सारे मैं अभी रेडी करूँगी ग्राइंड वगैरह पेस्ट वगैरह करूँगी तो चिकन करी के लिए जो जो मसाले लगते हैं वो तो सबको पता ही है क्या क्या मसाले लगते हैं वैसे मैं बता देती हूँ यहाँ पे मैंने दिया है ओनियन ग्रीन चिल्ली गार्लिक एंड जिंजर जिसको मैं ग्राइंड कर लूँगी फिर ग्राइंड करने के बाद इसको चिकन में मैं अच्छे से मेरीनेट कर लूँगी तो यहाँ चिकन पीसेस के साथ चिकन का जो आ, लिवर एंड जो हर्ड है वो भी है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा आ, ओनियन आ, होल ऑनियन भी डाला है तो कटा हुआ मतलब पेस्ट किया हुआ ऑनियन एंड होल ऑनियन तीन डाला है मतलब के जो होता है ना बिना कटे हुए ऑनियन बस छिलका उतार के डाला है और बाकी बाकी जो होता है वही है तो मेरीनेट करने के बाद कुछ देर आधे घंटे तक मेरीनेट करने के बाद मैंने इसको गर्म तेल में करडा माउन चीना माउन एंड जो क्रॉप्स होता है उसको गर्म तेल में डाल के थोड़ा थोड़ी देर मैंने फ्राई कर लिया है उसके बाद जो मेरीनेटेड चिकन एंड पोटेटो है वो मैंने ऐड कर लिया है फिर उसके बाद सारे मसाले जो डलते हैं चिकन में वही डाला गया है आ, जैसे कि मैं डालती हूँ हर उसको रियडर पाउडर जीरा पाउडर हल्दी पाउडर वही होता है एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर देन उसके बाद नमक ऐड करके उसको मीडियम फ्लेम में रख के ढक के रख देना है तो वो काम हो गया है तो अभी मैं जो है चिकन का जो है हेड एंड जो क्या होता है लेग उसको मैं वही स्टोब की जो आग है फायर फायर वहाँ पे जला रही हो ताकि इसका जो छोटे छोटे पंख वगैरह है वो निकल जाए तो इसको इस तरह से इस तरह से इसको देखिए आप लोग छोटे छोटे पंख देख ही रहे होंगे तो इसको इस तरह से वो किया जाता है मतलब कि इसको बर्न कर लिया जाता है फिर उसके बाद हाथों से भी थोड़ा निकाला जाता है क्योंकि इसको ऐसे बर्न कर लेने से या थोड़ी देर गर्म कर लेने से वो अच्छे से निकल जाता है हाथ से ऐसे खींचने से ना उंगलियों से खींचने से तो खींचने का काम देखिए बेस्टी कर रही है और मैं इसको जलाने का काम कर रही हूँ और देखिए यहाँ पर मेरा जो चिकन है वो बन के रेडी हो चुका है तो यहाँ पर मैंने अभी डाल दिया है सिलेंट्रो लिप्स तो इसको थोड़े और देर तक मैं ढक के रखूँगी फिर उसके बाद गैस ऑफ कर लूँगी तो फिर ये बन जाएगा देखिए बन भी चुका है हम लोगों का चिकन करी विथ पोटैटो रोस्ट क्योंकि चिकन का जो लेक एंड हेड है उसको हम लोग बनाएंगे बर्ता तो जो पानी है इसमें हम लोग उबाल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी भी रखा जाएगा जिसको बनाया जाएगा सूप एंड देखिए यहाँ पे जो है क्या क्या डाला जाता है ओनियन डाला जाता है फिर यहाँ पे नमक एंड देन हल्दी पाउडर मिलाकर इसको थोड़ा सा लहसुन और जिंजर पेस्ट वाला पेस्ट जो है वो डालकर इसको बॉय किया जाता है फिर थोड़ा सा पानी जब रह जाएगा इसको निकाल लिया जाता है जब अच्छे से कोकट हो जाए तब तो निकाल के इसको बर्ता बनाया जाता है बर्ते में हम लोग ऑनियन जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डालते हैं एंड जो रोस्टेड चिल्ली है उसको भी ग्राइंड करके डाला जाता है फिर मिक्स कर दिया जाता है और थोड़ा सा सिलेंट्रो भी ऐड किया जाता है तो बन जाता है हम लोगों का क्या बर्ता चिकन लेग एंड हेड का एंड उसको अच्छे से काटा भी जाता है बॉय करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में एंड जो सूप है वहाँ पे डाला जाता है आ, ओनियन वही लहसुन जिंजर सिलेंट्रो और बस वही होता है सूप वैसे बनता है तो मुझे ज़्यादा भूख लग चुकी थी तो अभी मैं फटाफट खा लेती हूँ राइस तो बन ही चुका है तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं टिल दिन बाबा